ये देश दुनिया की अहम खबरें। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने जा रहे हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक समर्थक रैली निकालने वाले हैं। मैनहैटन पुलिस ने सोमवार को ट्रंप के न्यूयॉर्क में पहुंचने से पहले चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। पुलिस ने 35,000 अफसरों को हर वक्त तैयार रहने के आदेश दिए हैं। ट्रंप सोमवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। अदालत ने साल 2012 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और अन्य को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। अदालत ने कहा है कि भटकल और एक अन्य अभियुक्त के बीच बातचीत से स्पष्ट है कि उन्होंने कथित तौर पर सूरत में एक परमाणु बम के विस्फोट की साजिश रची थी। दिल्ली NCR में मंगलवार तड़के जोरदार बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। दिल्ली NCR का मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने तेवर बदल रहा है। ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। दोपहर तक धूप खिलने से जहां लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, तो वही शाम होते होते एक बार फिर मौसम बदल गया। देश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। 8 महीने बाद पहली बार एक दिन में कोरोना का संक्रमण 6% से अधिक दर्ज किया गया है। बीते दिन 3600 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि दैनिक संक्रमण दर 6.12% दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में सोमवार रात रिशरा रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना सामने आई है। यहां कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कौशिक मीरोन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेल प्रशासन ने हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। जब से एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, तब से उन्होंने कई बदलाव किए हैं। पहले ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की गई और अब उन्होंने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया। अब लोगों में नीली चिड़िया की बजाय कुत्ता दिख रहा है। मस्क के ट्वीट से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस पर ठोस रूप से कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि एलन मस्क अगले ही पल कुछ भी अलग कर सकते हैं। अगर कोई मुंबई जाता है तो अरब सागर के तट पर स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को देखने जरूर जाता है। 113 सालों से ये समुद्र की लहरों और तूफानों का सामना करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। वही सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया के निरीक्षण के दौरान सतह पर कुछ दरारें पाई गई हैं, लेकिन समग्र ढांचा संरक्षण की अच्छी स्थिति में पाया गया है। ओपेक प्लस देशों के उत्पादन में कटौती के अचानक फैसले से सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक साल की सबसे बड़ी एक दिनी उछाल देखी गई। आने वाले समय में यह $100 प्रति बैरल का स्तर छू सकता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस समेत उसके सहयोगियों ने एक दिन पहले कच्चे तेल का उत्पादन 11.6 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने की घोषणा की है। अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से हासिल एकाधिकार के दुरुपयोग के मामले में गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीते बुधवार राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने इसे बरकरार रखा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए 4 क्रू सदस्यों की सोमवार को घोषणा की। इनमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत शामिल किए गए हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।